दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कस्टम रिडायरेक्शंस के बारे में जानेंगे कि कस्टम रिडायरेक्शंस क्या होते हैं और उन्हें हम ब्लॉगर में कैसे लिख सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो ब्लॉगर ही खोल लेता हूँ। ये ब्लॉगर खुल गया हमारा। अब इस पोस्ट को जैसे कि मैं व्यू करता हूँ, यहाँ से ये पोस्ट हमारा खुल गया। आप देख सकते हो इसका ये URL है। अगर मैं किसी केस में, हो सकता है मुझे ये URL डिलीट करना पड़े या पोस्ट डिलीट करना पड़े, तो इसे मुझे हो सकता है कि कहीं और रिडायरेक्ट करना पड़े, या फिर हो सकता है मैं अगर ऐसे ही ये रहे तब भी मैं कहीं और इसे अगर रिडायरेक्ट करना चाहूँ तो वो मैं आज आपको बताऊँगा कस्टम रिडायरेक्ट कैसे सेट होता है ब्लॉगर में। तो हम इसे खोल लेते हैं। हम यहाँ ही अगर रिडायरेक्ट करना होगा तो, नहीं तो हम यहाँ पे कर देंगे दिस इज एग्जाम्पल पोस्ट, नहीं तो मैं एक और पोस्ट क्रिएट ही कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। This is custom redirected post। इसको हम कॉपी करके अपने ये मेन में यहाँ पे भी डाल दें और इसे पब्लिश कर देते हैं। इसे मैं खोल लेता हूँ। ये खुल गया हमारा पोस्ट। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा ही लिखा हुआ है। हमें इसे रिडायरेक्ट करना है यहाँ पे, तो हमें सिंपल सा आना है ब्लॉगर में, हमें इतना ही कॉपी करना होता है। ये इसके आगे का इसे कॉपी करना है, हमें अपने ब्लॉग में आना है, सेटिंग्स में आना है और नीचे आके हमें यहाँ कस्टम रिडायरेक्ट्स पे आना है, ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे फ्रॉम पे इसे डालना है और टू जहाँ हमें रिडायरेक्ट करना है। ये मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ अपने पोस्ट को, इसलिए मैं परमानेंट पे अगर चाहूँ तो कर दूँ, लेकिन परमानेंट रिडायरेक्शन नहीं है, ये टेम्पररी है, इसीलिए बस ऐसे नॉर्मल पे इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हो हमारे रिडायरेक्शन सेट हो गया। अब मैं इसको कट ही कर दे रहा हूँ पूरे को। मैं जब इसको खोलूँगा, इसे न्यू विंडो आप देख सकते हो, तो इसने रिडायरेक्ट कर दिया हमें डायरेक्ट, दिस इज द कस्टम रिडायरेक्टेड पोस्ट, उसी पे रिडायरेक्ट किया जहाँ पे मैंने रिडायरेक्ट करना चाहा। मैं एक बार आपको खोल के भी दिखा दे रहा हूँ दोनों को फिर से अलग अलग। ये हो गया और ये हो गया। आप देखना दोनों पोस्ट हमारे सेम रहेंगे, ये और ये दोनों पोस्ट सेम हुए क्योंकि मैंने उसको वहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया है। कस्टम रिडायरेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो जब अपना पोस्ट को डिलीट करो या आप नहीं चाहते हो कि आपके उस पोस्ट पे लोग जाएं, तब आप क्रिएट करते हो कस्टम रिडायरेक्ट को। इनको सेट करना बहुत आसान होता है। आपको और भी अगर ब्लॉगर से रिलेटेड वीडियोस देखने हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो।